आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने आज देहरादून में पत्रकार वार्ता करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें एडवोकेट बसंत कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एडवोकेट बसंत कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने से पूरे प्रदेश के युवाओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनका कहना है कि एडवोकेट बसंत कुमार को जिस तरह से पार्टी ने सम्मान दिया है, अब सभी कार्यकर्ता आप पार्टी की तैयारी में जुटकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 2022 के चुनाव में जिताकर पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरे ताकत के साथ उतरने जाएंगे, और हमने जैसा पिछले दिनों आपकी जानकारी में लाए थे कि हमने पूरा जो संगठन है उसे भंग करके उसको रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया में हम गए थे। उसी क्रम में आज हम कुछ नामों की घोषणा कर रहे हैं। ये अभी पूरे नाम नहीं हैं, लेकिन संगठन जैसे जैसे विस्तारित होता जाएगा फिर आप लोगों के साथ उन नामों को भी हम शेयर करेंगे। तो अभी कुछ नाम जो है वो आज आपके लिए हम ला रहे हैं कि जो संगठन को चलाएंगे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी संगठन को लेकर, उसमें 5 हमने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं, जो कि हैं मेजर जनरल चंद्र किशोर जटमोला, शिशुपाल सिंह रावत, एडवोकेट बसंत कुमार, एडवोकेट रजिया बेग और अमित जोशी। ये 5 लोग हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी का कार्य देखेंगे। साथ ही साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष का नाम भी हम घोषित कर रहे हैं, जो कि होंगे धर्मेंद्र बंसल, जो कि प्रदेश में जो भी फाइनेंस से जुड़े मुद्दे हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, जो युवाओं के लिए पार्टी के संगठन को देखेंगे, वो होंगे दिग्मोहन नेगी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।